हेलो दोस्तों, हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों लेकर आया हूं, अगर बात करते हैं उस प्लॉट की साइज की, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई है वो हमारे पास है कि 35 फिट, और जो हमारी प्लॉट की लंबाई है यहाँ पीछे से लेके यहाँ सामने तक वो हमारे पास है 46 फिट। तो 35 × 46 हमारे पास टोटल प्लॉट का एरिया हो जाएगा, और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, बाकी तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का प्लॉट आया हुआ है, मतलब कि बाकी तीनों साइड से पैक है। ये हमारा जो प्लॉट है वो सिर्फ सामने की तरफ से ओपन है, मतलब कि सामने की तरफ रोड जा रही है। तो चलिए इसकी सामने से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास है पोर्च साउथ ईस्ट कॉर्नर पर, जिसकी हमारे पास साइज है 7 फिट बाई 10 फिट 9 इंच है, और पोर्च के इस तरफ हमारे पास है घर का मेन डोर 4 फिट का। इस मेन डोर को हम जैसे ही खोल देते हैं, हम एंटर होते हैं ड्राइंग रूम के अंदर, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 12 फिट 3 इंच, जिसकी 4 फिट की विंडो सामने निकल रही है। तो यहाँ पर हमारे सोफे लग जाएंगे, और इसी ड्राइंग रूम सीधा आगे चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है पूजा रूम, जिसकी हमारे पास साइज है 4 फिट बाई 5 फिट है, 4 बाई 5 का ही हमारे पास पूजा रूम रहेगा। पूजा रूम से सीधा आगे चलते हैं तो हम एंटर होते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर, मतलब कि घर के बीच सेंटर हॉल के अंदर, इसकी हमारे पास साइज है 12 फिट बाई 20 फिट 9 इंच है, 12 फिट यहाँ से लेके यहाँ तक और 20 फिट 9 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास रहेगा डाइनिंग और लिविंग एरिया। डाइनिंग और लिविंग एरिया इस तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा किचन है, जिसकी हमारे पास साइज है 10 फिट बाई 10 फिट, 10 बाई 10 का ये हमारा किचन है, जिसकी 4 फिट की विंडो हमारी सामने निकल रही है। किचन से बाहर आते हैं तो डाइनिंग और लिविंग एरिया, इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारे पास है स्टेयर, यहाँ से अप करेंगे और यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, और 3 फिट बाई 3 फिट हमारे पास स्टेयर केस का लैंडिंग रहेगा, और ये हमारा इतना सा एरिया है जो कि डुप्लेक्स स्टाइल के अंदर रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम है, जिसकी हमारे पास आई है 12 फिट बाई 12 फिट 3 इंच, जिसकी 4 फिट की विंडो हमारी सामने पूर्व दिशा के अंदर निकल रही है। इस बेडरूम से बाहर आते तो यहाँ पर स्टेयर, स्टेयर से बाहर आते तो यहाँ पर डाइनिंग और लिविंग एरिया। फिर यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम है, जिसकी हमारे पास आई है 12 फिट बाई 12 फिट, जिसकी 4 फिट की विंडो यहाँ पीछे पश्चिम दिशा के अंदर हमने 5 फिट बाई 13 फिट 3 इंच का यहाँ पर OTS छोड़ रखा है, इसके अंदर हमारी इस बेडरूम की विंडो निकल रही है। और इस बेडरूम के अटैच के अंदर यहाँ पर देखिए 2.5 फिट का दरवाजा, अटैच टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास आई है 5 फिट बाई 7 फिट, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन भी OTS के अंदर निकल रहा है। अब इस बेडरूम से बाहर आता तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, जिसकी हमारे पास साइज है 6 फिट 3 इंच बाई 8 फिट, जिसका 2 फिट का वेंटिलेशन पीछे निकल रहा है। कॉमन टॉयलेट से बाहर आता तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3.5 फिट का दरवाजा, और ये हमारा घर का तीसरा बेडरूम है, जिसकी हमारे पास साइज है 12 फिट बाई 12 फिट, जिसकी 4 फिट की विंडो इस OTS के अंदर निकल रही है। तो चलिए एक बार मैं आपको एक साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 35 फिट हमारे पास प्लॉट की चौड़ाई रहेगी, और 46 फिट हमारे पास प्लॉट की लंबाई रहेगी, और ईस्ट फेस है, पूर्व दिशा की तरफ इसका मुख है, और बाकी तीनों तरफ अदर प्रॉपर्टी है, मतलब कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ तीनों तरफ के नहीं और के प्लॉट आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सामने की तरफ पोर्च है, ये रहेगा घर का मेन डोर, यहाँ पर हमारे पास है ड्राइंग रूम, ये हमारे पास है पूजा रूम, यहाँ पर है डाइनिंग और लिविंग एरिया, यहाँ पर हमारे पास है किचन, इस तरफ आता है तो यहाँ पर हमारे पास है स्टेयर, ये हमारा घर का फर्स्ट बेडरूम, और पीछे की साइड चलते हैं तो ये हमारा घर का सेकंड बेडरूम, इसका ये अटैच टॉयलेट, यहाँ पर OTS वेंटिलेशन के लिए छोड़ रखा है, ये हमारा कॉमन टॉयलेट, और ये हमारा घर का तीसरा बेडरूम। तो चलिए एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के लोगों के बीच में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल बटन आ रहा है उसको प्रेस करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज इस डिज़ाइन का इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।